खबर दें, सानह मॉडल टाउन नई जेआईटी ने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया है। सीनियर पुलिस अफसरान के बयान भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इंस्पेक्टर्स और एहलकारों के बयान रिकॉर्ड होना अभी बाकी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सानह मॉडल टाउन नई जेआईटी ने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया। सीनियर पुलिस अफसरान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। इंस्पेक्टर्स और एहलकारों के बयान रिकॉर्ड होना अभी बाकी हैं। सानह मॉडल टाउन नई जेआईटी ने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया है, जबकि इंस्पेक्टर्स और एहलकारों के बयान रिकॉर्ड होना अभी बाकी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा इस हवाले से। के अहकाम पर बनाई जाने वाली जीआईटी जो है वो अपनी तहकीकात जो है वो कर रही है, जिसके अंदर उन्होंने जनवरी में राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर कानून पंजाब हैं उनको बुलाया था, लेकिन वो पेश ना हुए थे। दोबारा से अब उनको समन किया गया है। डीआईजी अब्दुल रब जो हैं उन्होंने दोनों कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को कल पीर के रोज़ बुलाया है ताकि वो आकर अपना बयान रिकॉर्ड करा सके। इससे कबल सीनियर पुलिस अफसरान जो वाक़े के अंदर मुलविस और नामजद थे उनके बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान और जो मुदैयान हैं और जो लीडरशिप है उसके भी बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। जेआईटी ज़राए का कहना है कि अभी जो नामजद मुलजमान में पुलिस एहलकार और अफसरान हैं, कुछ इंस्पेक्टर और उससे नीचे लेवल के, उनके बयान रिकॉर्ड होने बाकी हैं, जबकि जो शवाहिद और जो अहम दस्तावेजात थी पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास वो भी उनसे मांगी हुई हैं। जैसे ही वो आएंगी और तहकीकात के अंदर तमाम अफराद के बयान रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो कंपाइल की जाएगी और आला अफसरान को भिजवा दी जाएगी, जिसकी तनाजर के अंदर जो है मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है उमर जावेद, ये बताइएगा किन किन अफसरान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। जी इसके अंदर जो साबिक एसपी सीआईए हैं उमर विर्क, उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरह जो दीगर सीनियर पुलिस अफसरान थे उनके नाम जो हैं वो अभी सीगा राज में रखे गए, लेकिन उमर विर्क क्योंकि उनको भी इसके अंदर रखा गया था 302 के अंदर इस्तखासा में उनका नाम रखा गया है, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है। बाकी इंस्पेक्टर्स जिसके अंदर आमिर शेख हैं उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। एक तवील फहरिस अफसरान की तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान हैं जो इसके अंदर नामजद हैं, जिनमें से बेशतर के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं और बाकियों के बयान अभी रिकॉर्ड होना बाकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर जावेद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। सफाई कंपनी कंगाल, तनख्वाहें न मिलने पर सफाई वर्कर्स की 2 रोज से हड़ताल, अमले का कूड़ा उठाने से